साइबर सिटी के पोश इलाके डीएलएफ के यू ब्लॉक में एक प्लाट में नींव की खुदाई के दौरान पड़ोसी का 60 गज में बना 4 मंजिला मकान झुकने का मामला सामने आया है। दरअसल डीएलएफ के यू ब्लॉक की लेन नंबर 20 में प्लाट नंबर 9 में नींव की खुदाई हो रही थी। खुदाई के दौरान मकान नंबर 8 इस खाली प्लाट की तरफ करीब 8 इंच तक झुक गया। मकान झुकने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में रहने से भी डर रहे हैं। वही मकान झुकने की जानकारी मिलते ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सुरक्षा के लिहाज से आसपास लगते मकानों को खाली करवा दिया है और डीटीपी ने हादसे के बाद मकान नंबर 8 और 9 के मालिकों को शोकॉज नोटिस जारी किया है। सर ये ना, इसकी एक तो नींव नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, माइनर थोड़ी बहुत ही इसकी नींव है। इन जो बंदे हैं इनके साथ बेचारे के साथ ये हुआ कि भाई इन्होंने कल मकान लिया होगा, पुरानी नींव थी, पता इनको भी नहीं था क्योंकि इन्होंने मकान परचेज किया है जहाँ तक मुझे पता लगा है जी। और इसकी कोई गलती नहीं क्योंकि इसने ये मकान पर अपना नींव ले बगल वाला बंदा तो बनाएगा परमिशन ले के आया, नक्शा पास करा के आया, परमिशन ले के बनाना मकान उसने शुरू किया। माइनर सा ऊपर से 3 से 4 इंच का इसमें हल्का सा ऊपर से क्रैक है थोड़ा बहुत। कब की बात है ये? बात होगी जी मंडे की, दिन में दोपहर 2 बजे 2:30 के बाद। उसके बाद यहाँ प्रशासन आया था, इस बंदे ने तो तैयारी से अपनी भाई हाइड्रा लगवाई है रुकवाने के लिए पूरी, और आसपास की बिल्डिंगें खाली कर दी गई है। अभी भी इन बिल्डिंगों में कोई नहीं है, आसपास में कोई नहीं है। तो ज्यादा बड़ा मकान तो नहीं है इतना? हाँ, छोटा बड़ा 4 मंजिल का मकान है ये, और इस पे माइनर ही क्रैक है। कितने गज का है मेरे ख्याल? 40, ये 60 गज का मकान होता है जी। तो क्या लगता है खतरा है जिस तरह? नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है क्योंकि अगर हिलना होता जी हिल जाता। अब ये देखो ना, 4 दिन से एसएसडीजी खड़ा है। बहरहाल डीटीपीई ने इस हादसे के बाद मकान नंबर 8 और 9 के मालिकों को नोटिस दिया है। दोनों पर हरियाणा बिल्डिंग कोड के उल्लंघन करने का आरोप है। आरोप है कि मकान नंबर 8 के मालिक ने निर्माण में उल्लंघन किया है, जबकि प्लाट नंबर 9 के मालिक पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आर्किटेक्ट की मौजूदगी में खुदाई ना करवाने का आरोप है। फिलहाल डीटीपीई ने खुदाई पर रोक लगा दी है, साइट पर सुरक्षा के इंतजाम करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं अगर किसी तरह का हादसा होता है तो प्लाट मालिक की जिम्मेदारी तय की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।